अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बख़ैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज बन रहा है हम लोग के घर पे साग, और इस सर्दी में ये फ़र्स्ट टाइम साग बन रहा है हम लोग के घर पे, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी होती है। और तायमी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आज तायमी मतलब तबीयत में बेहतरी फील कर रही थी, तो फिर तायमी ने कहा चलो मैं साग बना लेती हूँ। और जी, मुझे ये सारे बर्तन वॉश करने हैं, साथ साथ जी क्लिनिंग करनी है। लंच की तरफ से मैं टेंशन फ्री थी, क्योंकि साग बन रहा था, आटा मैं गूंथ चुकी थी, तो बस ये अब क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा के मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी, क्योंकि मेरे हाथ में जो है ये चोट लगी हुई थी कल से। मैं कल ना वो कश कर रही थी टमाटर, तो साथ साथ ही मैंने अपना ये अंगूठा भी कश कर दिया, बहुत ज़्यादा इसमें ना ब्लड निकला था, और उसके बाद ये थोड़ा सेट हो गया था, फिर अब जब दोबारा से पानी वाला काम किया तो दोबारा से ये रेड हो गया है। तो बस यहाँ पे फिर मैं धूप में बैठी हुई थी, तायमी चाय बना के ले आई थी, क्योंकि साग जो है वो हल्की आंच पे पक रहा था, आटा भी गूंदा हुआ था, कोई काम भी नहीं था। तो फिर तायमी भी थोड़ी देर आके ना धूप में बैठ गई थी मेरे साथ। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में, साग हल्की आंच पे पक ही रहा था, और मैंने सोचा चलो जी मैं अब रोटी भी बना लूँ, फिर गैस का कुछ नहीं पता होता कब चली जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। और रोटी के ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी, क्योंकि आज साग बन रहा है, तो साग के साथ देसी घी वाली रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे मेरी वीडियो। उसके बाद गाइस मैं लगा लूँगी साग में भगाड़, ये वाला जो फ्राई पैन है बिल्कुल हल्का फ्राई पैन है, ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, तो मैंने इसी में जो है वो ऑयल डाल दिया था। उसके बाद गाइस मैंने लहसुन को चॉप करके वो इसमें डाल दिया है, साथ में जी मैं डालूँगी ज़ीरा, और गोल वाली लाल मिर्ची जो थी वो नहीं थी, हरी मिर्ची मैंने डालनी नहीं थी, क्योंकि साग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। और बस ये जब लहसुन जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट होगा, मैं तो इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, ताकि ज़ीरा भी ब्राउन हो जाए और लहसुन भी साथ साथ जो है जितना ब्राउन होना हो वो हो जाए। फिर इसको साग के ऊपर डाल देंगे, बहुत मज़ेदार साग बना था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और आप सब लोग बताएं आप लोगों के वहाँ पे मौसम कैसा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब बंदा सोचता है काम करे या ना करे, तो जब एक दफ़ा मैं उठती हूँ बिस्तर से तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारे काम निपटा के फिर ही जाके ना बैठूँ बिस्तर में, क्योंकि बार बार बिस्तर से निकलना ना इस सर्दी में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये गाइस, उसके बाद तायमी पढ़ी थी जोहर की नमाज़, और साथ में जी ये बच्ची आती है तायमी के पास सिपारा पढ़ने के लिए, तो ये मतलब कि सबक घर आ रही थी, फिर तायमी ने कहा तो मैं इसका सबक सुन लूँ, और यहाँ पे भी मुझे अपनी चोट में ना थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी, तो बस अब मैं यहाँ पे इस बच्ची का सबक सुनूँगी। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तकरीबन ये शाम 4:30 का टाइम, तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठा, फिर उसके बाद जी हस्बैंड को खाना वगैरह देंगे। और आज ये मुझे बनानी थी स्पैगेटी, ऐसे प्रॉपर मैंने वीडियो तो शूट नहीं की, बट जितना मुझसे हो सका उतना मैंने शूट कर लिया, क्योंकि जो है सारा ध्यान जो है वो गैस की तरफ होता है, अगर मतलब कि साथ साथ ब्लॉगिंग भी करता जाए बंदा, तो फिर जो काम जो है आधे घंटे वाला वो थोड़ा लेट हो जाना था। को दे आई थी खाना, और उसके बाद गाइस मैंने जो है यहाँ पे बीफ की बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ में जो है वो बोटी कट कर ली थी, वो मैंने डाल दिया था बीफ पानी में। और उसके बाद जी इसके ऊपर जो ये इस तरह से वाइट वाइट आएगा मैं इसको हटा दूँगी, साथ में जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच सिरका और लहसुन अदरक, बस ये तीनों चीज़ें डाल के जो है मैं इसको हल्की आंच पे पकने रख दूँगी, ताकि जो है वो बीफ की छोटी छोटी बोटियाँ जो मैंने कट की हैं वो अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद गाइस मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक से स्पाइसेस डाले, जो भी मतलब जितने भी मसाले होते हैं वो सब अंदाजे से मैंने डाल दिए हैं, और उसके बाद ये रेडी हो गया। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको भून लिया था, अब नमक चाट मसाला डाल के हस्बैंड को दे आऊँगी। इसमें से जो रिमेनिंग रह गया था वो जी हम डालेंगे स्पैगेटी में। यहाँ पर जी मैंने स्पैगेटी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ में थोड़ी बहुत वेजेस निकाल ली है मैंने, और साथ साथ जी शाम की चाय भी मैंने बना ली थी मज़ेदार। तो बस यहाँ पे तायमी को मैंने चाय दी थी, खुद पी थी, तायमी मुझे बाहर गए हुए थे, और यहाँ पे जी स्पैगेटी का मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है, स्पैगेटी को इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं बार बार स्पैगेटी वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो उसमें मुझे हंसी आ रही है।
तो गाइज यहाँ पे जब मैंने बीफ को बॉयल करने रखा था, थोड़ी सी मैंने यखनी रख ली थी। अब स्पेगेटी को मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया मसाले में, साथ ही ऊपर ये मैंने थोड़ी सी यखनी डाल दी थी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ये। और गाइज ये मेरी सिस्टर ने बनाया है, कुछ मतलब के पेन होल्डर बनाए हैं और बुक वगैरह इसने अपनी अरेंज करके रखी है। तो बस ये उसने मुझे वीडियो शेयर की थी, तो मैंने सोचा चलो जी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, हो सकता है किसी को कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। ये उसकी स्टडी टेबल है। तो दोस्तों मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।